मैं हूं विशाल, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साउंडक्राफ्ट के SI सीरीज मिक्सर्स पे मैंने 3 वीडियो बनाए थे और उसमें आगे का वीडियो बाकी था जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आज यहाँ पे साउंडक्राफ्ट का SI एक्सप्रेशन 1 मिक्सर कनेक्ट करके रखा है, जिसके डायनेमिक सेक्शन के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। कंप्रेशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, तो आज मैं कंप्रेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको फिर से दे दूंगा, लेकिन आज हम ज्यादा गेट के ऊपर फोकस करेंगे। तो देखते हैं कि आज ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सेटअप कैसे किया है। मैंने SI एक्सप्रेशन 1 मिक्सर कनेक्ट करके रखा है, जो कि 16 चैनल मिक्सर है। इसके आउटपुट नंबर 15 में से नॉर्मल सेटअप करके, जैसा कि हम लोग नॉर्मल स्टीरियो लेफ्ट और राइट का सेटअप करते हैं, उसी हिसाब से आउटपुट नंबर 15 में से मैंने ये स्पीकर कनेक्ट करके रखा है, जो JBL का PRX712 है। लाइन इन 1 और 2 में मैंने लैपटॉप कनेक्ट करके रखा है, जिसमें कंटिन्यूसली ड्रम किट का लूप चल रहा है। कंप्रेशन के बारे में डिटेल जानकारी पाने के लिए मेरा दूसरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो डायनामिक प्रोसेसर्स में क्या है कि गेट और कंप्रेशन है। डायनामिक इस शब्द का मतलब ये है कि डायनामिक मतलब सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसे डायनामिक बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि हमारे लाइफ में भी जो चढ़ाव और उतार आते हैं, उसके लिए भी हम लोग बोलते हैं कि यू हैव टू फेस द डायनामिक्स ऑफ लाइफ। ओके, इसका मतलब है कि लाइफ के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर जो चढ़ाव और उतार आते हैं, उसे आपको फेस करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से डायनामिक इस शब्द का मतलब यही है कि चढ़ाव और उतार अगर लाइफ में है तो, लेकिन अगर साउंड में है तो इसका मतलब है सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड, इसके बीच का जो फासला है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, वो जो फर्क है, उसे डायनामिक ऐसा बोलते हैं। तो डायनामिक प्रोसेसर का मतलब ये है कि जो डायनामिक प्रोसेसर से, यानी कि कंप्रेशन और गेट, ये उस साउंड के, उस पर्टिकुलर साउंड के डायनामिक रेंज पे काम करेंगे। ओके, वो कैसे ये देखते हैं। क्योंकि ये मिक्सर पहले किसी दूसरे शो पे था, तो इसमें शायद दूसरे कुछ शो के सेटिंग्स रहेंगे, इसीलिए हमेशा की तरह मिक्सर स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सिस्टम में जाऊंगा और यहाँ से मैं सिस्टम में जाके रिसेट ऑल करके मैं यस करूंगा, तो ये पूरा मिक्सर रिसेट हो गया। ओके, मतलब कि जीरो हो गया, सारे सेटिंग जीरो हो गए। अभी मैं मास्टर, जो मेरा जो मास्टर है लेफ्ट और राइट, इसे मैं सिलेक्ट करके हम लोग ये देखेंगे कि इसका आउटपुट कहाँ से जा रहा है। तो इसका आउटपुट जो पैच वन है वो जा रहा है 15 से। ओके, क्योंकि ये स्टीरियो फेडर है तो ऑटोमेटिकली इसका सेकंड जो है, मतलब राइट जो है, वो 16 में से जा रहा है। ओके, लेफ्ट में 15 और राइट में 16, ये दोनों सिलेक्टेड है। और यहां से आप देख सकते हो कि मेरा जो आउटपुट है वो 15 नंबर से जा रहा है इस स्पीकर में। ओके, ये केबल कनेक्टेड है। ओके, और ये जो केबल आ रहा है ये लैपटॉप से आ रहा है, ये यहाँ पे लाइन 1 और 2 में कनेक्टेड है। ये बिल्कुल नॉर्मल सेटअप है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एक आसान सा सेटअप मैंने करके रखा है सिर्फ आपको गेट और कंप्रेशन एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, अभी मैं इस मिक्सर के पेज बी में जाऊंगा। ये यहाँ पे इसका जो लैपटॉप से ड्रम किट का लूप आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये मेरा मास्टर हो गया। अब अभी मैंने इस चैनल को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आके ये डायनामिक्स का सेक्शन है इसका, यहाँ से मैं कंप्रेशन ऑन करूंगा। ओके, ये मैंने कंप्रेशन ऑन कर दिया और अभी मेरा ये सिग्नल जो है ये -24 dB तक इसका सिग्नल मेरे को मिल रहा है। ओके, मैं इसको और थोड़ा सा गेन दे दूंगा ताकि मुझे थोड़ा सा लाउड सिग्नल मिले। ओके, अभी ये -12 तक आ रहा है। ओके, अब ये जो कंप्रेशन का थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि ये थ्रेशोल्ड में जिस डीबी के वैल्यू पे सेट करूंगा, उसका मतलब है कि सिग्नल जब वहां तक पहुंचेगा तभी कंप्रेशन चालू हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो कि ये -15, -21, -18 तक जब जा रहा है, -21 से 24 तक, तभी यहां पर कंप्रेशन चालू हो रहा है। ओके, ये जो लाल लाइट आपको साइड में दिख रहा है, ये इसका सिग्नल कंप्रेस हो रहा है। ओके, ये कोई पिकिंग नहीं है, ये क्लिप नहीं हो रहा है, पिक नहीं हो रहा है, ये कंप्रेशन है। ओके, तो इसके बाद क्या है कि इसका अटैक है।
अटैक का मतलब है मुझे थ्रेशोल्ड के पार जाने के बाद कितना जल्दी मुझे कंप्रेशन चालू करना है। ओके, तो इसका वैल्यू जो है वो ये माइक्रो सेकंड में दिया है, ये 0.3 माइक्रो सेकंड से लेके 100 माइक्रो सेकंड तक इसका रेंज है इस मिक्सर में, जिसका मतलब है कि 1000 माइक्रो सेकंड, एक सेकंड में 1000 माइक्रो सेकंड होते, तो इसका मतलब 100 माइक्रो सेकंड मतलब एक सेकंड का 10वां हिस्सा। तो अभी जब भी जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही मैंने अटैक को जीरो कर दिया, यहाँ पर कंप्रेशन बढ़ गया। ओके, अभी ये ओवर कंप्रेस सिग्नल है, ये कैसे सुनाई देता है देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को हेडफोन में सुन रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि स्नेयर का जो साउंड है वो ज्यादा पंप हो रहा है। अभी मैं कंप्रेशन बंद करूंगा। ये कंप्रेस सिग्नल है। तो ये हो गया अटैक। अभी जैसे ही मैं अटैक को स्लो करता हूं, ओके, अटैक को स्लो करने के बाद कंप्रेशन स्लो हो रहा है, क्योंकि अभी सिग्नल उस थ्रेशोल्ड के ऊपर जाने के बाद स्लोली कंप्रेशन ऑन हो रहा है। ओके, इसमें रिलीज क्या है कि सिग्नल कंप्रेशन के बाद, कंप्रेशन स्टार्ट होने के बाद सिग्नल वापस से जब थ्रेशोल्ड के नीचे आएगा तो कंप्रेशन कितना जल्दी बंद होना चाहिए, इसका रिलीज का जो रेंज है वो भी माइक्रो सेकंड्स में दिया है, वो 5 से लेके 900 माइक्रो सेकंड तक है, मतलब ऑलमोस्ट 1 सेकंड है। तो इसे भी हम लोग देखेंगे। अभी आप देखोगे कि मैंने अटैक को 3.8 माइक्रो सेकंड में किया है, सिलेक्ट किया है, और रिलीज को मैंने पूरा जीरो कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो कि अटैक मेरा 3.8 माइक्रो सेकंड पे है, रिलीज मैंने कंप्लीटली जीरो कर दिया, 5 माइक्रो सेकंड है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही सिग्नल थ्रेशोल्ड से नीचे आ रहा है, कंप्रेशन जल्दी से छूट रहा है। ओके, अभी आप ये लाल लाइट कितना जल्दी बंद हो रहा है इससे आप पता लगा सकते हो कि मेरा कंप्रेशन कितना जल्दी से बंद हो रहा है, आप उसे यहां पर भी देख सकते हो। ओके, ये जल्दी बंद हो रहा है। अभी मैं रिलीज टाइम को बढ़ाता हूं तो आप यहां पे देख सकते हो कि कंप्रेशन ज्यादा देर तक उससे पकड़ रहा है, सिग्नल को पकड़ रहा है। ओके, ज्यादा जल्दी नहीं छोड़ रहा है। तो ये हो गया ओवर कंप्रेशन। कंप्रेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि मेरा सिग्नल जब भी थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहा है तो उस सिग्नल को हम लोग नीचे दबा रहे, इतना दबा रहे, तो उसे उसका रेशो है 3.8:1। इसका मतलब अगर मेरा थ्रेशोल्ड -33 dB पे और उसके ऊपर मेरा 3 dB सिग्नल जाता है, यानी के 30 dB तक जाता है, और अगर मेरा रेशो 3:1 है तो हर 3 dB के लिए सिर्फ 1 dB सिग्नल ऊपर जाएगा। इसका मतलब वो सिग्नल जाएगा 31 dB में मेरा सिग्नल रहेगा। तो अगर आपको टाइट कंप्रेशन चाहिए तो आप इसका रेशो भी बढ़ा सकते हो और ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। सोचो अगर उस सिग्नल का डायनामिक रेंज इतना था, ओके, तो ऊपर का जो हिस्सा है, जो लाउड पार्ट है, उसे हम लोगों ने कंप्रेस करके यहां तक लाया। ओके, अब ये सिग्नल का लाउडेस्ट पार्ट और सॉफ्टेस्ट पार्ट, इसका जो डिफरेंस है इसे हमने कम किया, ये होता है कंप्रेशन। ओके, ये कम करने के बाद ओवरऑल आपका साउंड नीचे चला गया है। बाद में इस सिग्नल को ओवरऑल ऊपर करने के लिए इसमें होता है मेकअप गेन, ओके, ताकि वो बाकी सभी सिग्नल के साथ में उसके बराबर में आ जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये मेकअप गेन का उसका नॉब है, जो डीबी में उसमें 0 से 24 dB तक का रेंज दिया है इस मिक्सर में। ओके, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी आप ये जो साउंड सुन रहे हो ये ओवर कंप्रेस साउंड है। इसके बाद में अगर मैं इतना कंप्रेशन करूंगा उसके बाद में मेरे को ये सिग्नल ऊपर करना है, तो यहां से मैं इसका मेकअप गेन बढ़ा के इसे ऊपर कर सकता हूं। तो
ये था छोटा सा डेमो इस मिक्सर के साथ, जिसमें मैंने बताया कि आपको इसका कंप्रेशन कैसे यूज करना है। ओके, ये सारे इसके कंट्रोल से अटैक, रिलीज, मेकअप गेन, थ्रेशोल्ड और उसका कंप्रेशन का रेशो। इस वीडियो में मैं कंप्रेशन के बारे में सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कंप्रेशन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो देखने के बाद आपको एग्जैक्टली कंप्रेशन का क्या ट्रिक है, उसका कैसा यूज है, वो पता चल जाएगा। अभी चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में, जिसमें मैं आपको गेट प्रोसेसर के बारे में जानकारी दूंगा, गेट कैसे यूज करना है और कब यूज करते हैं एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है गेट एग्जैक्टली काम क्या करता है। अगर इसे सिंपल भाषा में समझना है तो गेट इस शब्द का मतलब क्या है कि दरवाजा। ओके, गेट जो खुलने पे आप अंदर जा सकते हो, खुल अगर बंद है तो कोई अंदर नहीं जा सकता है। ओके, उसी हिसाब से अगर साउंड के लिए गेट है तो वो कैसे काम करेगा। ओके, उसे खोलेगा कौन, उसे बंद कौन करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि साउंड में गेट का जरूरी क्या है, गेट क्यों जरूरी है या फिर उसका इस्तेमाल क्या है, उसका मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। अभी आप सोचो, जैसे कि ड्रम किट है, ड्रम किट में आप 8 से 10 माइक यूज करते हो और ड्रम किट के जो लाउडनेस लेवल से वो ऑलमोस्ट 90 से लेके 100 तक, 100 dBSPL तक उसके लाउडनेस के लेवल से ड्रम किट के हर एक ड्रम के। आप अगर सोचो ड्रम किट बहुत ही नजदीक रखा होता है, ड्रमर जो है वो यहाँ से बजा रहा है, यहाँ से बजा रहा है, हर साइड में उसके ड्रम्स 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 है और कुछ सिम्बल्स वगैरह है, जो कि ओवरऑल बहुत ही लाउड इंस्ट्रूमेंट है। नीचे किक ड्रम भी है, वो भी बहुत ज्यादा लाउड है। तो हमेशा अक्सर क्या होता है कि स्नेर का जो माइक है, स्नेर के माइक में आपको हाई हेट का आवाज मिलेगा। इसमें से हर एक माइक के अंदर आपको स्नेर का आवाज जरूर मिलेगा, क्योंकि स्नेर इनमें, इन सब में बहुत ज्यादा लाउड है। तो एक इंस्ट्रूमेंट, तो एक इंस्ट्रूमेंट के माइक में दूसरे इंस्ट्रूमेंट का आवाज आना, इसे बोलते हैं लीकेज। ओके, अगर किक ड्रम में स्नेर का आवाज आ रहा है तो किक ड्रम में स्नेर लीक हो रहा है, तो ये लीकेज रोकने के लिए हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं। गेट क्या करता है कि गेट के भी पैरामीटर्स कंप्रेशन जैसे ही है, जिसमें है अटैक, रिलीज, गेन की जगह पे यहां पे है डेप्थ और थ्रेशोल्ड इसका सेम है। जैसे कि हमने कंप्रेशन में देखा, जब भी थ्रेशोल्ड के ऊपर जब भी उसका सिग्नल जाएगा तभी कंप्रेशन एक्टिवेट होता है। तो गेट में थोड़ा सा उल्टा है, गेट में जो है एक्चुअली थ्रेशोल्ड काम करता है गेट ओपन करने का। अगर आपने किसी चैनल में गेट एक्टिवेट कर दिया तो वो गेट जो है वो हमेशा बंद रहेगा। अभी आप सोचो किक ड्रम का माइक किक के अंदर आपने डाला है, वो या वो सोर्स से शायद इतना दूर है। ओके, लेकिन स्नेर ड्रम जो है वो उस माइक से काफी दूर है। ओके, तो जाहिर सी बात है कि नेचुरली क्या होगा, किक ड्रम के माइक में आपको किक का सिग्नल बहुत ज्यादा मिलेगा। ओके, और इसके मुकाबले आपको स्नेर का जो साउंड है वो कम मिलेगा। अगर किक ड्रम का सिग्नल आपको सेम -12 dB तक मिल रहा है तो शायद स्नेर का आवाज आपको -18 या फिर -24 dB इस रेंज में मिलेगा। ओके, एटलीस्ट उससे 10 dB तो कम मिल सकता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ओके, कम या ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सेटअप। अभी सोचो कि वो सिग्नल हमें -24 तक आ रहा है, मिल रहा है, और -24 से लेके ऊपर वहां पे हमारा किक का सिग्नल है। ओके, तो स्नेर का सिग्नल जो -24 के नीचे सॉफ्ट है, तो अगर हम लोग उस थ्रेशोल्ड को -24 पे सेट करते तो क्या होगा कि सिग्नल जब तक -24 तक आ रहा है तब तक किक का जो माइक है वो बंद रहेगा। ओके, मैं फिर से बोलता हूं, जब तक सिग्नल -24 तक है, यानी कि उसमें नॉइज रहेगा और स्नेर का जो माइक आ रहा है वो है, या फिर और भी माइक्रोफोन्स का आवाज हो सकता है, और भी इंस्ट्रूमेंट्स का आवाज हो सकता है, जैसे कि सिंबल्स वगैरह बाकी कुछ है, वो जब तक वहां तक पहुंच रहा है तब तक किक का माइक बंद रहेगा। और किक का सिग्नल अगर -24 dB से ऊपर स्टार्ट हो रहा है तो वो वहां से ही चालू होगा, तभी उसके लिए गेट ओपन होगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग हर एक माइक के लिए एक ऑटोमेटिक म्यूट स्विच जैसा कुछ बना रहे। ओके, वो कैसे काम करेगा कि इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ये माइक लगाया है तो ये माइक सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट का आवाज लेगा और दूसरे इंस्ट्रूमेंट का आवाज नहीं लेगा। अभी आपको गेट का थ्रेशोल्ड क्या है ये पता चल गया। गेट का थ्रेशोल्ड क्या है कि जब भी वो सिग्नल थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगा
तभी गेट ओपन होगा और तभी वो माइक चालू होगा। थ्रेशोल्ड के बाद आता है डेप्थ। डेप्थ को हम लोग इस हिसाब से समझ सकते हैं, डेप्थ का जो रेंज है वो -60 dB से -3 dB तक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो सिग्नल थ्रेशोल्ड से पहले मतलब कि जहां पे गेट बंद है, वो उस सिग्नल को हम लोग कितना नीचे दबाना चाहते हैं। थ्रेशोल्ड से पहले का सिग्नल मतलब फॉर एग्जांपल स्नेयर का जो सिग्नल जो हमें किक माइक में नहीं चाहिए, उस सिग्नल को हम लोग कितना नीचे दबाना चाहते हैं। शायद वो सिग्नल आपके लिए जरूरी है, आप उसे म्यूट नहीं रखना चाहते लेकिन कम करना चाहते, तो आप उसे यहां से आप उसका रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। -60 dB तक आपने रेंज रखा है तो वो माइक ऑलमोस्ट ऑन और ऑफ जैसा बिहेव करेगा, म्यूट अनम्यूट जैसा बिहेव करेगा। ओके, मतलब गेट बंद हो रहा है खुल रहा है, बंद हो रहा है खुल रहा है, ऐसा इफेक्ट आपको आएगा। अगर आप उसे कम रेंज में रखते हो या शायद -3 dB, -6 dB, -9 dB, तो वो जो सिग्नल है वो बंद नहीं होगा पूरी तरह से, लेकिन उसका आवाज कम रहेगा। इसके बाद इसके दो और पैरामीटर है, वो है अटैक और रिलीज। तो गेट का अटैक जो है वो कंप्रेशन के अटैक से थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, कंप्रेशन का अटैक क्या था कि सिग्नल थ्रेशोल्ड के ऊपर जाने के बाद कंप्रेशन एक्टिवेट हो जाएगा। गेट का अटैक कैसे काम करता है, सिग्नल थ्रेशोल्ड से नीचे आने के बाद कितना जल्दी आप गेट बंद करना चाहते हो, तो गेट का जो वैल्यू है वो माइक्रोसेकंड्स में दिया है, 0.1 माइक्रोसेकंड से लेकर 200 माइक्रोसेकंड तक। इसके बाद इसका और एक पैरामीटर और लास्ट वाला जो पैरामीटर है इसमें वो है रिलीज। तो रिलीज का जो वैल्यू है वो 20 से लेके 500 तक है माइक्रोसेकंड्स में। ओके, तो रिलीज कैसे काम करता है कि सिग्नल जब आपका ओपन है, जब आपका किक प्ले हो रहा है, तो किक के लिए सिग्नल ओपन हो चुका है लेकिन किक के साउंड में भी एक थोड़ा सा उसका रिलीज है। ओके, वो साउंड जब भी आएगा वो साउंड आराम से रिलीज हो जाएगा। तो अगर आप रिलीज का टाइम बहुत कम रखते हो तो वो किक का जो एंड का पार्ट है उसे टेल बोलते हैं, उसका पूंछ, वो भी उस सिग्नल का उसमें निकल जाएगा, तो सिग्नल उसके बाद कट हो जाएगा। लेकिन आप अगर रिलीज टाइम को ज्यादा रखते हो तो वो स्लो रिलीज हो जाएगा और आपका जो है साउंड उसमें कुछ भी कट नहीं होगा। इसका मतलब सिग्नल थ्रेशोल्ड के नीचे आने के बाद कितने जल्दी आप गेट को क्लोज करते हो उसे बोलते हैं रिलीज टाइम। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। अब मैं इस चैनल में ये जो ड्रम किट का मैंने लूप प्ले किया है इसमें मैं अभी गेट एक्टिवेट करूंगा। ओके, ये मैंने सिलेक्ट किया और ये यहां से गेट मैंने एक्टिवेट कर दिया। ओके, ये अभी -55 dB तक है, इसका थ्रेशोल्ड अभी -55 dB पे सेट है। जैसे ही मैं इसका थ्रेशोल्ड बढ़ाता हूं, ओके, आप यहां पे देख सकते हो कि गेट यहां पे बंद हो रहा है। अभी आप आवाज में फर्क देख सकते हो कि जो स्नेर जो हाई हैट का जो थोड़ा सा साउंड है वो कट हो रहा है। ओके, मैं इसे फिर से रिवर्स करता हूं, ये नॉर्मल साउंड है। ओके, अभी मैं थ्रेशोल्ड बढ़ा रहा हूं, थ्रेशोल्ड को ऊपर कर रहा हूं मैं। अभी थ्रेशोल्ड -12 पे, तो इसका मतलब क्या है कि -12 dB के ऊपर के जितने सिग्नल है वो ही सिर्फ अभी आ रहे हैं, उसका ही साउंड आ रहा है सिर्फ, ये सिग्नल है वो। ओके, अगर मैं इसे -6 तक लेके जाऊंगा तो भी सेम है, जो थ्रेशोल्ड के ऊपर है वही सिग्नल हमें मिल रहे हैं। अभी मेरा अटैक 0 है, मेरा रिलीज भी 0 जैसा ही है। ओके, और मेरा डेप्थ अभी कितना है, -24 dB, मतलब थ्रेशोल्ड के नीचे के जो सिग्नल है वो -24 dB से कट हो रहे। चलो देखते क्या होता है, मैं इन सिग्नल्स को -60 dB से कट करता हूं। वी हैव नो साउंड एट ऑल। ओके, हमारे पास बिल्कुल कोई भी आवाज नहीं अभी, क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड -6 dB तक है, क्योंकि -6 dB तक कोई सिग्नल पहुंच नहीं रहा है, इसीलिए उसने -6 के नीचे के जो भी सिग्नल है उसे बंद कर दिया। अभी मैं इसे थ्रेशोल्ड को अभी मैं आराम आराम से कम करता हूं। अभी ये -9 पे है, -10, -12, 13, -14, -15, देखिए क्या साउंड आ रहा है। ओके, अभी ये फास्ट अटैक है, इसका मतलब क्या है, फास्ट अटैक में क्या हो रहा है,
अभी फास्ट अटैक में क्या हो रहा है कि सिग्नल थ्रेशोल्ड के नीचे आते ही जल्दी से उसको गेट गेट को बंद कर रहा है, अटैक गेट को बंद कर रहा है। ओके, अभी मैं अटैक बढ़ाता हूं। अभी मैंने अटैक को फुल कर दिया है जो कि 200 माइक्रोसेकंड में। तो अभी क्या हो रहा है कि सिग्नल थ्रेशोल्ड से नीचे आने के बाद गेट उस पर अटैक कर रहा है और उसे तुरंत बंद कर रहा है गेट को। अभी मैं रिलीज का टाइम बढ़ाता हूं। अभी थोड़ा स्लो हो गया, देखो गेट का जो बंद होना है वो थोड़ा स्लो हो गया, अभी थोड़ा आराम से बंद हो रहा है। ओके, अभी मैं इसका जो डेप्थ है उससे मैं -15 dB या फिर 12 dB तक कर देता हूँ। अभी साउंड पूरी तरह से कट नहीं हो रहा है, जो नीचे के साउंड से, थ्रेशोल्ड के नीचे के साउंड से, वो भी सुनाई दे रहे कुछ हद तक, लेकिन वो मेन सिग्नल से कम है। ये -3 dB तक डेप्थ है। ओके, के बाद इसमें साइड चेन लो पास फिल्टर और साइड चेन हाई पास फिल्टर भी दिया है, इसे भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये डायनामिक प्रोसेसर है तो कंप्रेशन के जैसे ही इसका इफेक्ट आपको इजीली आसानी से इसको सुन के हम लोग जज नहीं कर सकते। इसे सुन के इसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा सा हेडफोन डाल के आपको खुद को इसके साथ खेलना पड़ेगा। स्टूडियो प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर्स भी है, न्यूएंडो, प्रो टूल्स, फ्रूटी लूप्स, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसमें गेट का आप साइड चेन फिल्टर वगैरह ये सब आपको थोड़ा सा आपके खुद के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके सीखना पड़ेगा। साइड चेन लो पास फिल्टर, इसका रेंज है 160 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, जो हमारे मिक्सर का गेन सेक्शन में, जो हमारे मिक्सर के प्रीएम्प सेक्शन में हाई पास लो पास फिल्टर आता है, ये उसी हिसाब से काम करेगा। सोचो अगर कोई इंसान इस सिग्नल को सुन के गेट ओपन या क्लोज कर रहा होता, तो अभी हम उसको बता रहे हैं कि उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज आप लो पास कर दो। इसका मतलब क्या होगा कि वो लो के फ्रीक्वेंसी सुन के ही गेट को ओपन करेगा। सोचो किक ड्रम के माइक्रोफोन में क्या जाएगा, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी जाएगा, उसमें किक का साउंड जाएगा। किक का साउंड का रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से लेके ऑलमोस्ट समझ लो 200 तक उसका मेन सिग्नल है, बाद में उसका प्रेजेंस वगैरह, डिटेल्स वगैरह, वो सब कुछ है। तो हम लोग अगर उस माइक्रोफोन के गेट को लो पास साइड चेन करेंगे, साइड चेन लो पास फिल्टर उस पे मारेंगे, उसे हम लोग अगर 200 हर्ट्ज तक उसको हम लोग कट ऑफ करेंगे, -24 के नीचे के सिग्नल के लिए वो गेट नहीं खोलेगा, लेकिन -24 के ऊपर के सिग्नल में भी वो देखेगा, अगर ये सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी का है तो ही वो गेट को ओपन करेगा। ओके, और इसके सेम उल्टा हाई पास फिल्टर के लिए, जो हाई पास फ्रीक्वेंसी वाला जो फिल्टर है, साइड चेन फिल्टर, ये आप हाई हैट के माइक के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें क्या होगा कि अगर सिर्फ हाई -24, बाय द वे मैं एग्जांपल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो फिक्स रहेगा -24 ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं -24 यूज कर रहा हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से। तो अगर मेरे हाई हैट के माइक का गेट का थ्रेशोल्ड अगर -24 है, तो इसका मतलब क्या है कि -24 dB के नीचे के सिग्नल वो सिग्नल के लिए वो गेट ओपन नहीं करेगा। वो गेट ओपन करने के लिए सिग्नल -24 के ऊपर भी जाएगा तो उसमें भी वो देखेगा कि ये सिर्फ अगर हाई फ्रीक्वेंसी जो मैंने हाई पास किया है उस फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर का अगर ऑडियो सिग्नल है तो ही उसके लिए वो गेट ओपन करेगा। तो अभी साइड चेन हाई पास और लो पास फिल्टर का इफेक्ट यहाँ पे ऑडिबल इतना नहीं है, इसे क्योंकि ये डायनामिक प्रोसेसर है तो इसमें साउंड में चेंज जो आता है वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा कानों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप कंप्रेशन का भी आप ट्राई कर सकते हो, उसमें आपको आवाज में फर्क ज्यादा सुनाई नहीं देगा क्योंकि ये उसके डायनामिक्स के साथ खेल रहा है। अगर इक्वलाइजर का कुछ हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं तो वो इफेक्ट हमेशा ऑडिबल होता है क्योंकि हम लोग साउंड के टोनल क्वालिटी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके टोनल क्वालिटी पे हम लोग खेल रहे हैं, लेकिन डायनामिक प्रोसेसर्स का जो इफेक्ट है वो सुनाई नहीं देता है। ओके, ठीक से सुनाई, बिल्कुल सुनाई नहीं देता ऐसा मैं नहीं बोलता, लेकिन वो आपको आसानी से सुनाई नहीं देगा, उसे आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके वो सुन के देखना पड़ेगा। हेडफोन्स वगैरह में आप ट्राई करो,
फिर आपको फर्क आराम आराम से पता चलेगा। तो अभी मैं आपको इस गेट का जो प्रोसेसर है इसका माइक के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मेरे पास कॉन्फ्रेंस है शायद 10 पैनलिस्ट वगैरह ऐसा है, 10 चेयर पे 10 पैनलिस्ट बैठे चेयर पे, हर एक के पास में पोडियम माइक है या फिर उनको लेपल माइक्रोफोन दिया या फिर हेडसेट माइक्रोफोन दिया है, तो मैं उसके लिए गेट का जरूर इस्तेमाल करता हूँ और उससे भी मुझे फीडबैक के लिए थोड़ी सी राहत मिलती है। तो मैं अभी पोडियम माइक इसमें कनेक्ट करके आपको दिखा दूँ। तो अब मैं मेरा फेवरेट माइक कनेक्ट करने जा रहा हूँ, श्योर का MS-418DS। ओके, ये मेरा ये माइक मैं यूज करता हूँ पोडियम के लिए। ये फैंटम पावर्ड कार्डियोइड माइक्रोफोन है। ओके, इसमें इसे मैंने नंबर 5 में कनेक्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पे मेरा 5 नंबर चैनल ये पेज ए पे है। 5 नंबर चैनल मैंने सिलेक्ट किया, 5 नंबर चैनल के लिए मैंने 48 वोल्ट ऑन किया। जैसे यहाँ पे फैंटम पावर ऑन किया इसका लाइट आ गया। अभी इस माइक्रोफोन पे मैंने गेट सेट किया है, गेट मैंने ऑन कर दिया। अगर मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मेरा स्पीकर इतने दूर से इतने आवाज में बात करने जा रहा है, तो इस हिसाब से मैंने ये थ्रेशोल्ड यहाँ पे -32 dB पे सेट किया। इसके आगे मैं अगर सेट करता हूँ तो आप सुन सकते हो कि मेरा आवाज कट हो रहा है। चेक। तो अभी मेरा पोडियम माइक जो है, एक मिनट, माइक बंद किया। अभी मेरा पोडियम माइक जो है वो एक आदमी सिर्फ आके यूज नहीं करने वाला है। ओके, डेफिनेटली अगर उस इवेंट में बाकी भी स्पीकर से बहुत कोई भी आता है, MC आता है, ये वो आता है, कोई कुछ अनाउंस करने के लिए आता है, तो उस हर एक आदमी के हिसाब से मुझे ये माइक्रोफोन सेट करना है। मैं क्या चाहता हूँ कि इस माइक में कोई भी आदमी आके बात करेगा तो ये माइक ऑन होना चाहिए, इसका मतलब इसका गेट ओपन होना चाहिए, और बाकी टाइम जब भी कोई इसमें बात नहीं कर रहा है या फिर वो बोलने के टाइम पे ऐसा पॉज ले रहा है, तो इस पॉज की जगह पे माइक का गेट जो है वो क्लोज होना चाहिए, तो इसमें अननेसेसरी नॉइज नहीं आएगा और फीडबैक के भी शायद फीडबैक भी इसमें कुछ हद तक कट हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये मैंने माइक ऑन किया, इसलिए मैं क्या करूंगा कि इसका जो थ्रेशोल्ड है गेट का, इसे मैं -50 से लेके -55 तक रखूंगा। ओके, इसका अटैक जो है, अभी अगर आप सुन सकते हो, एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर मैंने इसका थ्रेशोल्ड और बढ़ा दिया, ये अभी थ्रेशोल्ड इसका जो है ये -20 पे है। ओके, तो आपको सुनाई दे रहा होगा ये जो कटिंग का इफेक्ट आ रहा है, टक 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 आवाज आता है। ओके, जब भी गेट ओपन और क्लोज हो रहा है तभी वो टक टक का आवाज आ रहा है, वो टक टक का आवाज हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अटैक टाइम को बढ़ाएंगे। मैंने अभी ये अटैक को ऑलमोस्ट 110 से 140 माइक्रोसेकंड तक रखा है, 110 से 140 माइक्रोसेकंड तक। रिलीज टाइम को मैंने 300 माइक्रोसेकंड पे रखा है, 300 से 350, और इसका जो डेप्थ है ये डेप्थ अभी -60 पे, -60 पे डेप्थ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब भी गेट बंद हो रहा है तो वो जो आवाज है वो सीधा, मतलब जो नॉइज, जो थ्रेशोल्ड के नीचे का जो साउंड है, नॉइज है, जिसे हम लोग नॉइज बोलते हैं, वो सीधा -60 dB तक कट हो रहा है। इसका मतलब वो पूरी तरह से बंद हो रहा है। उसे मैं इतना बंद नहीं करूंगा क्योंकि मेरा स्पीकर कुछ बात कर रहा है, तो मुझे क्या चाहिए कि उसका कोई भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी शब्द गेट के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं इसको -6 dB तक कम करूंगा। और अभी मैं थ्रेशोल्ड को कम करूंगा क्योंकि मेरे हर एक स्पीकर का आवाज माइक में जाना चाहिए, और किसी भी कोई स्पीकर अगर यहां से बात कर रहा है तो उसका माइक भी, उसके लिए भी पूरा साउंड आना चाहिए और मेरा माइक उसके टाइम पे गेट बंद होना नहीं चाहिए। ओके, तो या फिर कोई सॉफ्टली बात कर सकता है, ऐसे एकदम आराम से बात करता है, ऐसा भी कोई कोई होता है, तो उसी हिसाब से मैं अभी थ्रेशोल्ड को -50 से 55 dB, -55 dB में रखा है। तो
अभी मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज यहां पे आ जाओ और चैनल का मीटर दिखाओ। जब कुछ भी बात नहीं हो रहा है तभी आप देख सकते हो कि गेट बंद है, और ये अभी मैं धीरे से बात करने जा रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि धीरे से जब मैं माइक पे बात कर रहा हूं, जब मैं सॉफ्टली बात कर रहा हूं, कम आवाज में बात कर रहा हूं, तो भी गेट खुलता है और बंद होता है। मेरे बात करने पे गेट खुलता है और मैं जब रुकता हूँ तब ये गेट बंद होता है। मेरे आवाज़ में कुछ भी टक टक का इफेक्ट नहीं आ रहा है, गेट ऑन ऑफ का इफेक्ट नहीं आ रहा है और एकदम क्लीन साउंड मिल रहा है। ओके, अभी ये पोडियम माइक का मैं गेन भी आपको बढ़ा के दिखाऊंगा। हे छे, देखो फीडबैक भी थोड़ा सा आ रहा है लेकिन गेट उसको पकड़ लेता है। हे चिप, हे चिप। ओके, इस वीडियो में हमने डायनामिक प्रोसेसर्स के बारे में जानकारी ली, जिसमें मैंने आपको कंप्रेशन और गेट नॉइज गेट के बारे में समझाया, कंप्रेशन का थोड़ा सा और गेट का बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दिया, उसका दोनों का आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दिया कैसे काम करना है और कब यूज करना है। तो इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो बेशक आप मुझे कमेंट्स करो, पूछो सवाल कैसे करना है, क्या करना है, कैसे यूज करना है। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका आप जो भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे हो, या फिर आपके पास एनालॉग प्रोसेसर है या फिर आपके पास डिजिटल मिक्सर है, इन डायनामिक प्रोसेसर्स का आप जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसको आप अगर इसका इफेक्ट बार बार सुनोगे हेडफोन में या फिर आपके पास स्पीकर है अच्छे वाले उनमें अगर आप इसका इफेक्ट बार बार सुनोगे तो ही आपको डायनामिक प्रोसेसर का आवाज एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आवाज के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ये इसमें टोनल कंट्रोल नहीं है, ये डायनामिक्स पे काम करता है। तो ये सुनने के लिए और इसे इस साउंड को इसके साउंड को जज करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपको गुड बाय कर रहा हूँ और भी वीडियोस डालते रहूंगा जैसा ही मुझे वक्त मिलेगा। मेरे चैनल से जुड़े रहो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी दिखाओ। थैंक यू।